नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बात जब भी बिहार में रोजगार की आती है तो बात उद्योग की भी की जाती है कि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है, इस वजह से रोजगार बहुत कम मिलता है। बिहार में अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज की शुरुआत कब तक हो पाएगी, इसे कह पाना अभी मुमकिन नहीं है। लेकिन बिहार में सबसे बड़ी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को ही माना जाता है, और अगर इस पर सही से ध्यान दिया जाए, सही ढंग से इस पर काम किया जाए तो बेहतरीन परिणाम निकल कर आ सकता है। अब खबर निकल कर ये आ रही है कि बिहार के कई जिलों के किसानों को स्मार्ट बनाया जाएगा, उन्हें डिजिटली ट्रेंड किया जाएगा, और किस तरह से ये सारी चीजें होंगी आपको विस्तार में बताते हैं। बिहार के किसान अब स्मार्ट बनेंगे। कृषि की नवीनतम तकनीक पर आधारित खेती किसानी की फिल्में और किसानों की सफलता की कहानियां मोबाइल पर देखकर अपना काम शुरू करेंगे। माइक्रो एसडी कार्ड के माध्यम से किसान अपने स्मार्टफोन पर खेती किसानी का गुण सीखेंगे। इसके लिए उन्हें बाहर जाकर प्रशिक्षण लेने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उनके मोबाइल पर ही उनके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। माइक्रो एसडी कार्ड में कृषि आधारित फिल्मों को देखने से किसानों को समय और पूंजी की जरूरत नहीं होगी। यह बिना इंटरनेट सुविधा के भी चलेगी। किसान भाई घर पर बैठे अपने स्मार्टफोन और एलईडी टेलीविजन पर इस फिल्म को परिवार के साथ देख सकेंगे। बिहार कृषि विश्वविद्यालय किसानों को कृषि कार्य में स्मार्ट बनाने के लिए निशुल्क 32 GB का माइक्रो एसडी कार्ड उपलब्ध कराएगा। इसके लिए किसानों को कोई राशि चुकता नहीं करनी होगी। बिहार सरकार ने इसकी सफलता को देखते हुए राज्य भर के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय को 40 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। अब इन राशि से करीब 5,000 किसानों को 32 GB माइक्रो एसडी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे इसमें अपलोड फिल्म को अपने स्मार्टफोन के माध्यम से देख और समझकर वैज्ञानिक खेती की ओर मुड़ सकें और अपनी आमदनी में बढ़ोतरी ला पाएं। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराए जाने वाले माइक्रो एसडी कार्ड में कृषि पर आधारित 60 तकनीकी फिल्में और 70 किसानों की सफलता की कहानी अपलोड रहेगी। इसके अतिरिक्त खेती किसानी से जुड़ी कई लघु फिल्में भी होंगी। इस कार्ड की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसे मोबाइल में डालते ही एक ऐप इंस्टॉल हो जाएगा जो ऑफ और ऑनलाइन दोनों मोड पर चलेगा। 32 GB के माइक्रो एसडी कार्ड में 10 GB मेमोरी खाली रखी जाएगी, ताकि इसका उपयोग करने वाले किसान अपनी जरूरत की फोटो, डेटा और वीडियो आदि सुरक्षित रख सके। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नबार्ड और मैनेज के सहयोग से 8 एवं 16 GB का करीब 1500 कार्ड अपने विभिन्न माध्यमों से किसानों को उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को भी मिल रहे हैं। राज्य के सैकड़ों किसानों ने कृषि आधारित फिल्मों को देखकर अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तौर तरीके से खेती करना प्रारंभ कर दिया है, और इसका असर आप देख भी पा रहे होंगे। बिहार के अलग अलग इलाकों में नई नई प्रकार की खेती होती है। कहीं पर नए किस्म के आम उगाए जा रहे हैं, तो कहीं पर स्ट्रॉबेरीज की खेती हो रही है, कहीं ड्रैगन फ्रूट उगाया जा रहा है। मशरूम की खेती तो बिहार में बड़े पैमाने पर की ही जा रही है, और नई नई फसलों को उगाया जा रहा है जो कि पहले बिहार में होना संभव नहीं था। तो बिहार के किसान स्मार्ट बनेंगे तो बिहार की इकोनॉमी पर भी उसका अच्छा खासा असर दिखाई देगा, और रोजगार का भी इससे सृजन हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये सारी चीजें धरातल पर कब तक शुरू होती है और किसानों को इसका सीधा फायदा कब तक मिल पाता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।